नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। आज हम ऐसा कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी 100% इंक्रीज हो जाएगी। जो काम करने को आपको घंटों लग जाते थे वो आप बहुत ही क्विकली कर पाएंगे। अगर आप अकाउंटेंट है या फिर बिजनेस ओनर है, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। अक्सर अकाउंटेंट कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं या फिर उनको नहीं पता होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम किया जाता है और MNCs में स्टैंडर्ड प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज किस तरीके से होती है और किस तरीके से रिपोर्ट जनरेट किए जाते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं। और साथ ही बिजनेस ओनर्स जो है वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं कि स्टैंडर्ड वे में हमारा डेटा जो रहता है वो किस तरीके से मैनेज करें विदाउट सॉफ्टवेयर, चाहे वो वेंडर मैनेजमेंट हो, सेल्स इनवॉइसेस हो, या USD में अगर आप डील करते तो उस तरीके का जो डेटा रहता है वो है, या रिसीवेबल पेबल कोई भी टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स या फिर डेटा रहता है तो वो हम लोगों को स्ट्रगल होता है। आज उन सब के लिए हम सॉल्यूशंस लेके आए हैं। सोचिए अगर आपके पास ऐसा कोई टूल हो जो डेली वर्क है उसको मिनटों में कर ले ताकि जो बचा हुआ वक्त है उसको आप प्रोडक्टिव काम में यूज कर सके। यस, मैंने मेरे एक्सपीरियंस और जहां पे मैं काम करती हूं वहां के स्टैंडर्ड प्रोसेसेस और बाकी की ऑर्गेनाइजेशन और MNCs की स्टैंडर्ड प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिस को कंसीडर करके ऐसे पावरफुल एक्सेल में टूल बनाया है जो आपके काम को मिनटों में कर लेंगे। जो हमने एक्सेल में पावरफुल टूल विद डैशबोर्ड बनाया है उसमें से मैं कुछ आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि वेंडर मैनेजमेंट करना। तो यहाँ पे हमने बनाया है कि हर एक वेंडर के अगेंस्ट में यूनिक कोड होगा। जब भी कोई जो वेंडर है वो अनबोर्ड होगा तो हम लोग उनकी जो बेसिक डिटेल्स है वो ऐड कर देंगे, जैसे GST, PAN या फिर बैंकिंग डिटेल्स। और जब उनका इनवॉइस आएगा तो सिंपली हम वो यूनिक नंबर है वो देंगे और उनका इनवॉइस नंबर और बेसिक अमाउंट, बाकी का जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसे TDS, GST, उनको हमें कब पे करना है, साथ ही एजिंग एनालिसिस विद डैशबोर्ड, ये पूरा जो है वो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो काम करने को आपको घंटों लग जाते हैं वो आप मिनटों में कर पाएंगे और ये पूरा एरर फ्री रहेगा ताकि आप प्रॉपर वे में आपका जो डेटा है वो मैनेज भी कर पाएंगे और वेंडर्स को पे भी कर पाएंगे और एक ही जगह पे वेंडर का पूरा जो डेटा है वो मैनेज होगा। हमने ऐसे बहुत सारे टूल बनाए हैं जिसमें से एक MIS रिपोर्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कहलाता है, जैसे कि रिसीवेबल, तो कस्टमर ने कितने दिनों से हमें पैसे नहीं दिए हैं, कितना अमाउंट पेंडिंग है, सब कुछ एनालिसिस कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। पेबल में भी आप देख सकते हो कि कितना पेमेंट हमें करना है, कब पेमेंट करना है, GST का टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना है, सब कुछ एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हो। साथ ही अगर आप कोई प्रोडक्ट में डील करते हो तो यहाँ पे MIS में आपको मिलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सबसे महंगी बिक रही है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कितना ओपनिंग स्टॉक है, प्रॉफिट कितना हुआ, कौन से प्रोडक्ट में हमें लॉस हो रहा है, सब कुछ आप MIS में देख सकते हो। सो इस तरीके का टूल जो है वो आपको मिलेगा। और एक टूल के बारे में बताती हूं जो है पेरोल मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट। यहां पे अटेंडेंस मैनेज कर सकते हो, आपके एम्प्लॉइज की ग्रॉस सैलरी प्लस नेट पेबल अमाउंट कितनी होगी, ये जो कैलकुलेशन रहते हैं TDS के, PF के, ESIC के, वो सब एक ही टूल में कर पाएंगे। साथ ही डिपार्टमेंट वाइज समरी भी मिलेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है जो आप एम्प्लॉइज को जो पे स्लिप रहती है, सैलरी स्लिप रहती है, वो भी आप ऑटोमेटिक जनरेट कर पाएंगे। इसके साथ में एक और टूल है जो है बजट वर्सेस एक्चुअल। यहाँ पे आप ट्रैक कर पाएंगे कि पूरे साल का हमारा बजट कितना था, इसके अगेंस्ट में हमने कितना एक्सपेंस किया है, ताकि आप प्रॉपर वे में आपका एक्सपेंसिस को मैनेज कर सकते हैं, कैश फ्लो को भी मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारे है, इसमें से मैं आपको कौन सा वाला बताऊँ, जैसे कि प्रोजेक्शंस। तो हमारे पूरे साल में हमारा प्रोजेक्शंस मतलब कि सेल्स का हमारा कितना बिलिंग होने वाला है वो है, वर्सेस हमने एक्चुअल कितना किया उसका भी ट्रैक रख पाएंगे। जो एक्सपेंसेस डेली के रहते हैं वो मैनेज कर पाएंगे, चेक की डिटेल्स आती है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। इसके साथ में इन्वेंट्री किस तरीके से मैनेज करेंगे आप, जैसे कि मंथ वाइज हमारा इन्वेंट्री है, इसके बाद में जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसके प्रॉफिट कितने हैं, स्टॉक ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है, हमें क्या परचेस करना चाहिए, सब कुछ एनालिसिस करके आपको डैशबोर्ड के साथ मिलेगा। ऐसे हमने बहुत सारे पावरफुल टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं जो आपके काम को बहुत ही ईजी कर लेगा और आप प्रॉपर वे में मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, करियर में ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप कहीं पे जॉब भी सर्च कर रहे हैं तो भी आपको ये रिपोर्ट्स जो है वो हेल्पफुल होंगे। हमारे प्रीमियम क्वालिटी टेम्पलेट के साथ हम बोनस भी दे रहे हैं, वो है HR फॉर्मेट्स, अकाउंट्स इंटरव्यू प्रिपरेशन के टेम्पलेट्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशन की जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं रिक्वायर्ड उसके टेम्पलेट्स, और जो कंपनी की स्टैंडर्ड प्रोसेस रहती है और पॉलिसीज रहती है उसके भी टेम्पलेट्स आपको बोनस में मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हर एक फोल्डर के अंदर वो टेम्पलेट होगा और टेम्पलेट
बेनिफिट किस चीज़ का है और किस तरीके से उसका यूज़ करना है उसको हमने डिटेल में बनाया हुआ है ताकि आप प्रॉपर वे में उसको यूज़ कर सकें। हमारे प्रीमियम क्वालिटी टेम्पलेट्स जो है जिसकी प्राइस 5000 है, बट हमारे YouTube फैमिली के मेंबर्स को जो फर्स्ट 200 डाउनलोड करेंगे वो यूज़र्स को डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा जो कि है 299, जो पिज़्ज़ा का प्राइस है। यस, आपको 299 में मिलेगा। आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। उसको आप इजी टू एडिट कर सकते हैं, आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डेटा ऐड करना है और आपको प्रेजेंट करना है तो कर सकते हैं, आपका टाइम भी सेव होगा और साथ में यहाँ पे आपको बोनसेस भी मिल रहे हैं, HR फॉर्मेट्स मिलेंगे और साथ ही इंटरव्यू प्रिपरेशन के जो टैम्पलेट्स है वो भी मिलेंगे, बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स और स्टैंडर्ड प्रोसेसेस जो कंपनीज की है वो भी आपको बिल्कुल भी फ्री में मिलेगा। तो डेफिनेटली आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ऐसे ही जो फॉर्मेट्स है वो हमारे स्टोर पे कुछ फॉर्मेट्स अवेलेबल थे और आप में से किसी ने डाउनलोड भी किए होंगे, बट ये लॉन्च कर रहे हैं विद वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज और साथ ही टेस्टिंग के साथ, डैशबोर्ड के साथ हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो जरूर से डाउनलोड करना। आई होप आपके स्किल सेट में वैल्यू एड करेगा और आपके करियर में ग्रो कर पाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।